विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 6 हिंदी विषय में अध्याय 3 समझदार नहीं, जिसके लेखक है शंकर सुल्तानपुरी और जिस अध्याय का प्रकार है कहानी, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। समझदार नहीं, ये कहानी हमें क्या सिखाना चाहती है? ये कहानी हमें सिखाना चाहती है कि वर्तमान परिस्थिति में हमारे समाज में ऐसे कितने ही बुरे लोग हैं जो हमारे साथ गलत व्यवहार करते हैं, लेकिन हमें कभी भी हमारा अच्छा स्वभाव है वह नहीं छोड़ना चाहिए। इस कहानी में हमें यही सिखाया गया है कि भले ही व्यक्ति हमारे साथ कितना ही बुरा व्यवहार क्यों नहीं करता, लेकिन हमें उसके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हमेशा सभी व्यक्ति की क्या करनी चाहिए? भलाई करनी चाहिए। तो इस कहानी की शुरुआत करने से पहले हम इस अध्याय में आने वाले अपरिचित शब्द तथा महावाक्य का अर्थ जानने का प्रयत्न करेंगे, उसके बाद हम इस कहानी की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस पाठ में आने वाले अपरिचित शब्द। सबसे पहला अपरिचित शब्द है तट। तट का अर्थ होता है किनारा, स्वभाव, प्रकृति, सहसा, एकाएक या अचानक, खिसियाकर, लज्जित होकर, निर्दोष, बेकसूर, राह, रास्ता, प्रसन्न, खुश, दलदल, गीली जमीन जिसमें खड़े होने पर पाव घसता चला जाए, कीचड़ भी जिसे कह सकते कि जहाँ पर हम खड़े रहे दलदल में और हमारा पाव है वो अंदर ही अंदर चला जाता है, हम बाहर आसानी से नहीं निकल पाते हैं। अब इस कहानी में आने वाले मुहावरों के अर्थ समझेंगे।
सबसे पहला मुहावरा है अनसुनी करना, ध्यान न देना, आदत का गुलाम होना, आदत से मजबूर होना, वचन देना, वादा करना, मन डोलना, विचार बदलना, जीवन दान देना, नया जीवन देना, पानी पानी होना, बहुत लज्जित होना या बहुत शर्मिंदा होना, थिरकने लगना, खुशी से नाचना। तो ये है इस कहानी में आने वाले अपरिचित शब्द और मुहावरे। अब हम इस कहानी की शुरुआत करेंगे कि यह कहानी हमें क्या समझाना, क्या सिखाना चाहती है। ये जो कहानी है वो एक नन्ही सी छोटी सी बतख की है कि किस प्रकार वह अपनी समझदारी दिखाती है और किस प्रकार अपना कार्य करती है। तो आइए अब हम इस कहानी को समझते हैं। नन्ही बतख तट पर आई और उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। छोटी सी जो बतख है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, ये क्या है, एक छोटी सी बतख है और यहाँ पर क्या है, एक बिच्छू है। वह बिच्छू किसमें फंस गया है, दलदल में फंस गया है। और इस चित्र में दिखाया गया है कि किस प्रकार की छोटी सी बतख है वह अपनी चोंच के माध्यम से इस बिच्छू को क्या कर रही है, बचा रही है। तो नन्ही बतख है वो किनारे पर आती है, तट पर आती है, देख क्या देखती है कि एक बिच्छू है जो कहाँ फंस गया है, दलदल में, गीली जमीन में फंस गया है। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई, उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। अब बिच्छू है, उसने नन्ही से क्या कहा कि बहन मुझे क्या करो, बचाओ, मैं इस दलदल में फंस गया हूँ। तो नन्ही को उस पर क्या आ गई, दया आ गई, और दया आने के कारण वह उस बिच्छू को क्या करती है, दलदल में से बाहर निकलती है। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, नन्ही है वो बिच्छू को दलदल में से बाहर निकाल रही है। बिच्छू को शैतानी सूझी, उसने नन्ही को डंक मार दिया। अब बिच्छू को क्या सूझी, शैतानी सूझी, और उसने क्या करते हैं, नन्ही को डंक मार दिया। डंक मारना मतलब नन्ही को काट लिया। अब बिच्छू का स्वभाव कैसा होता है, किसी को भी काटना, उसने नन्ही को भी काटा, डंक मारा। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। अब बिच्छू ने डंक मारा है तो उससे नन्ही को क्या होने लगी, पीड़ा होने लगी, उसे दर्द होने लगा। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा। पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसका मतलब नन्ही है वो बिच्छू से क्या पूछ रही है, प्रश्न पूछ रही है। और क्या पूछ रही है कि अरे बिच्छू, मैंने तो तुम्हारी जान बचाई, तो फिर तुमने मुझे क्यों काटा, तुमने मुझे डंक क्यों मारा। बिच्छू लापरवाही से बोला, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। अब बिच्छू है वो बोल उठा तपाक से कि क्या करूं, कि डंक मारना तो मेरा क्या है, स्वभाव है, डंक मारना तो मेरी क्या है, प्रकृति है। नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। अब नन्ही क्या कहती है कि तुम अपनी इस गंदी आदत को, अपनी इस बुरी आदत को छोड़ दो, वरना यदि तुम किसी दिन मुसीबत में पड़ गए तो कोई भी व्यक्ति तुम्हारी सहायता या कोई भी दूसरा पशु है वो तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। अनसुनी करना मतलब ध्यान न देना। बिच्छू ने नन्ही की बात पर कोई भी ध्यान नहीं दिया और बिच्छू वहां से चला गया। नन्ही अपने माँ के पास नदी में चली गई। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी। और फिर नन्ही है वह कहाँ चली जाती है, अपनी माँ के पास चली जाती है। तब माँ उससे पूछती है कि नन्ही तुम्हें इतनी देर कहाँ लग गई, तुम कहाँ रुक गई थी। नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। अब नन्ही अपनी माँ से क्या कहती है कि एक छोटा सा बिच्छू है वह दलदल में फंस गया था, तो मैं उसे क्या कर रही थी, बचा रही थी। माँ खुश होकर बोली, बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तब उसकी माँ बहुत ही खुश होती है और नन्ही से कहती कि तुमने तो बहुत ही अच्छा काम किया है। नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। तब नन्ही अपनी माँ से कहती है, मैंने तो अच्छा काम किया, लेकिन उस बिच्छू ने मुझे क्या मार दिया, डंक मार दिया, मुझे काट दिया। माँ बोली,
बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। अब क्या कहती है माँ, आदत का गुलाम होना मतलब अपनी आदत से मजबूर होना। माँ नन्ही को समझाती है कि बिच्छू है वह अपनी गंदी आदत का क्या है, गुलाम है, अपनी आदत से मजबूर है। तुम चाहे उसे कितनी बार बचाओ वह बार बार डंक मारता रहेगा। अब माँ उसे समझाती है कि भले ही तुम उसकी कितनी ही बार जान बचा लो लेकिन वह फिर भी तुम्हें क्या करेगा, डंक मारता रहेगा। नन्ही बोली, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूंगी। अब नन्ही क्या कहती है कि माँ किसी भी कीमत पर मैं उसकी इस बुरी आदत को, उसकी गंदी आदत को छुड़ा कर रहूंगी। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। थोड़े ही दिनों के बाद बिच्छू का प्राण है, बिच्छू का जो जीवन है, पुनः का मतलब होता वापस, संकट में पड़ना अर्थात मुसीबत में पड़ना। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और उठने उतराने लगा। और इस बार है वो बिच्छू कहाँ जा गिरा, पानी की धारा में, पानी के बहाव में गिर गया और क्या करने लगा, एक बार डूबने लगा और एक बार बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आ गई। अब उसे याद आया कि एक बार नन्ही ने मुझे दलदल में से बचाया था। तब उसे वापस किसकी याद आती है, नन्ही की याद आती है। वह नन्ही को पुकारने लगा, नन्ही उसकी करुण पुकार सुन ली। अब उसने नन्ही को क्या किया, पुकारा, और नन्ही ने भी उसकी करुण का अर्थ दया वाली पुकार को सुन लिया। वह झपट कर बिच्छू के पास आ गई। वह तुरंत ही कहाँ आ जाती है, बिच्छू की आवाज सुनकर बिच्छू के पास आ जाती है। सहसा ही उसके मन में विचार आया, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। और उस नन्ही को क्या याद आता है कि उसने पहली बार मुझे डंक मारा था ना, तो अब मैं इस बिच्छू की जान नहीं बचाऊंगी। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा, बहन मुझ पर दया करो। और बिच्छू है वो नन्ही के सामने लाचार होकर गिड़गिड़ाने लगा कि बहन मुसीबत में मेरी क्या करो, तुम रक्षा करो। नन्ही का मन डोल गया। मन डोलने का अर्थ है विचार बदलना। अब नन्ही ने अपना मन क्या कर दिया, बदल दिया। उसने सोचा हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। अब नन्ही को क्या विचार आया कि हो सकता है कि इस बार बिच्छू ने अपनी गंदी आदत को छोड़ दिया होगा। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। अब नन्ही ने क्या किया, दूसरी बार बिच्छू की जान बचाई। और बिच्छू है अपने स्वभाव, अपनी प्रकृति के कारण फिर से नन्ही बत्तख को डंक मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। नन्ही उसका इरादा समझ गई। वह मुस्कुराकर बोली, बिच्छू भाई ठीक ठाक क्यों गए, डंक मारो। और इस बार नन्ही है वो उसकी आदत समझ जाती है और वह थोड़ा सा मुस्कुराकर बोलती है कि रुक क्यों गए, आओ और मुझे डंक मारो। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। पानी पानी होना मतलब शर्मिंदा होना। बिच्छू है वह शर्मिंदा हो गया। वह खिसियाकर बोला, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की, ऐसा क्यों? खिसियाकर मतलब लज्जित होकर। अब बिच्छू है वह लज्जित होकर नन्ही से कहता है कि मैंने तो हमेशा ही तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया है लेकिन फिर भी तुमने मेरे साथ क्या की, भलाई की, अच्छाई की, ऐसा क्यों? नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है, मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपने अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ? अब नन्ही क्या कहती है कि दूसरों की भलाई करना जो मेरा क्या है, अच्छा स्वभाव है, मैं तुम्हारे साथ बदला लेने के लिए अपनी इस अच्छी आदत को नहीं छोड़ सकती। मेरा काम बचाना है, मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूंगी। अब क्या कहती है, मेरा काम तो क्या है, मुसीबत में पड़े हुए किसी को भी बचाना है और बार बार मैं बचाती भी रहूंगी। और तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो। और बिच्छू से कहती कि तुम्हारा काम तो क्या है, डंक मारना है, तो तुम क्या करो, डंक मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। फिर नन्ही है वो बिच्छू से कहती है कि मैं भी देखती हूँ कि जीतता कौन है, तुम्हारी गंदी आदत जीतती है या मेरी अच्छी आदत जीतती है। बिच्छू पछतावे से भर गया, बोला, नन्ही बहन आज तुम जीत गई। बिच्छू को क्या होता है, पछतावा होता है।
और वह नन्ही से क्या कहता है कि आज तू जीत गई, अर्थात तुम्हारा अच्छा स्वभाव है वह मेरे बुरे स्वभाव के आगे जीत गया। आज मैं तुम्हें वचन देता हूँ। फिर बिच्छू है वह नन्ही को क्या देता है, वचन देता है, अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। निर्दोष का अर्थ है बेकसूर, कि अब मैं किसी भी बेकसूर जीव को बिना कारण डंक नहीं मारूंगा। नन्ही खुश होकर नदी में चल गई। माँ ने आज फिर पूछा, बेटी कहाँ देर कर दी? नन्ही ने पूरी घटना बता दी। फिर नन्ही है वो खुश होकर कहाँ चली जाती है, वापिस अपनी माँ के पास चली जाती है। और माँ उसे पूछती है कि नन्ही आज फिर तुम्हें देर कहाँ हो गई? तब नन्ही है वो सारी घटना बिच्छू और उसके बीच जो वार्तालाप हुआ था उसे क्या करती है, अपनी माँ को बताती है। माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही। माँ है वो प्यार से बत्तख को क्या कहती है कि मेरी प्यारी समझदार नन्ही हो तू, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनाने की राह दिखाते है। भले लोग का अर्थ है अच्छे लोग, कि अच्छे लोग है वो बार बार अपनी भलाई से, बार बार अपनी अच्छाई से जो बुरे लोग होते हैं उन्हें भी अच्छा बनाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, उन्हें राह रास्ता दिखाते हैं। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी। थिरकने का अर्थ है नाचना। खुश होकर नन्ही क्या करने लगी, नाचने लगी। तो इस कहानी में हमें यही सिखाया गया है कि चाहे हमें कैसे ही बुरे लोग क्यों ना मिले, वह हमारे साथ कितना ही बुरा क्यों ना करे, लेकिन फिर भी हमें हमारे अच्छे स्वभाव को नहीं बदलना चाहिए, बदके में उस सामने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अच्छाई के रास्ते पर, अच्छाई के मार्ग पर लाने का प्रयास करना चाहिए। जिस प्रकार नन्ही ने अपने अच्छे स्वभाव के कारण बिच्छू के बुरे स्वभाव को भी क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया, और हमें भी हमारे अच्छे स्वभाव को नहीं बदलना चाहिए। थैंक यू।